नमस्कार, स्वागत है गुलिस्तान न्यूज़। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। खबरों का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता ही जा रहा है और रविवार को 5 डॉक्टरों में भी अब कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 3 डॉक्टर श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल के ENT विभाग से है और 1 SKIMS बेमिना से ऑर्थोपेडिक सर्जन है और 1 सरकारी डेंटल कॉलेज से है, श्रीनगर का दंत चिकित्सक है। और कोरोना संक्रमित मिले 4 डॉक्टरों ने श्रीनगर के एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज किया था जिसकी कल मौत हो गई थी। CD अस्पताल की तरफ से बताया गया है कि 5 डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। उनमें से 4 ने 29 वर्षीय महिला का इलाज किया था जिसकी कल मौत हो गई थी। संभावना है कि महिला के संपर्क में आकर डॉक्टर संक्रमित हो गए होंगे। वहीं कश्मीर में 19 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वे जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन के 4th चरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बाड़ी ब्राह्मणा में लोग इस लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है और यहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिस पर कुछ सभ्य लोगों और दुकानदारों ने चिंता जताई है। उन्होंने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की भी अपील की है। साढ़ा जेड़ा इस वेल्लै देश ऐ बड़े गै मुसीबत च घूमा दा, बड़ी मुसीबत च पेदा है, पर साढ़ी बड़ी ब्राह्मणा दे विच इस दा कोई असर नहीं होया। जेड़ा कि साढ़े मिनिस्टर लोग आखा दे ने, मोदी जी आखा दे ने, हर बार हर जगह हर मतलब आदमी इयो गल कहंदा कि चलो थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए चलो, पर साढ़ी बड़ी ब्राह्मणा दे विच कोई भी इस चीज़ दा ध्यान नहीं दिया दा है। बड़ा क्राउड है, क्राउड दे विच थोड़ा जिहा इंदा इस साइड थोड़ा जिहा ख्याल रखना चाहिदा और इन्हें लोगों को थोड़ा जिहा समझना चाहिदा है। थोड़ा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बाजार बड़ी ब्राह्मणा है इसके ऊपर लोग खरीदारी के लिए आए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोई भी ख्याल नहीं कर रहा है। वो अपने अपने खरीदारी में मशगूल है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रा भी ख्याल नहीं किया जा रहा है। ना तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लोग यहाँ पर इनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और ना ही उन दुकानदार जो है जहाँ से ये सामान खरीद रहे हैं वो अपनी सामान बेचने में मशगूल है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे हैं। मीटिंग भी की होगी बड़ी ब्राह्मणा में, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, चाहे मार्केट हो, चाहे आप कोई स्थान देख लीजिए, जहाँ पे ऑटो स्टैंड देख लीजिए, बड़ी उन्होंने मंडी देख लीजिए, यहाँ लगता ही नहीं है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन कर रहे हैं। तो मैं लोगों से, बड़ी ब्रह्मा के लोगों से भी अपील करता हूँ कि ये किसी के निजी फायदे के लिए नहीं है बंद, ये आपकी ज़िंदगी के लिए है और आप जहाँ तक हो सके, जितना मुनासिब हो सके तभी बाहर निकलिए जब आपको बहुत ज़रूरी काम। वे जम्मू कश्मीर के डिगियाना इलाके में रविवार को 4 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने पर यहां पूरा इलाका सील कर दिया गया है। डिगियाना में हाल ही में एक बुजुर्ग की कोरोना वायरस से मौत के बाद उसी के परिवार में से 4 साल की बच्ची सहित 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें आइसोलेशन में भी भेज दिया गया है। रविवार देर शाम ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम डिगियाना पहुंची और पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के साथ साथ इसे सील भी कर दिया। वही डिगियाना में आज भी सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। स्थानीय पार्षद परमिंदर सिंह ने बताया इसे पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने लोगों से घरों से न निकलने की भी अपील की है। मार दे जाओ, लास्ट तोड़ तक मार दे जाओ। 4 आदमी यहाँ पे मिले हैं,
उनका पूरी तरह निरीक्षण कर लिया गया और उनको क्वारंटीन में रखा गया है। और हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे मोहल्ले के पूरे एरिया के इस गली के लोग जो है पूरे लाकबंदी किए गए, कोई भी आदमी अपने घर से बाहर ना निकले, जिसको भी कोई सामान चाहिए वो यहाँ हमारे पुलिस जो कर्मी हैं वो उनके नाम लिख रहे हैं और वो ऑनलाइन उनको सामान घर पर मिल जाएगा। बाकी हमारी तरफ से जो भी सेवाएँ हैं, जो जैसे ये सैनिटेशन वाले हैं, सैनिटाइज करने के लिए ये पूरी टीम जा रही है और मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूरी अपनी जो सैनिटाइज के टैंकर पाइप वगैरह लगाई हैं वो आ रही हैं, अगले 10 मिनट में आ रही है और हम पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा डिजाइना कैंप जो। वहीं लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाकों के लोगों की सुविधा के लिए अब डाक विभाग भी आगे आया है। लोगों को रुपए निकालने के लिए बैंकों के चक्कर न काटने पड़े और बैंकों में भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए डाक विभाग लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से रुपए मुहैया करवा रहा है। इस रकम की निकासी लोगों के बैंक खातों से ही होगी और इसके लिए उनका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार लोग 10,000 रुपए तक की राशि की निकासी कर सकते हैं, फिर चाहे उनका खाता किसी भी बैंक में क्यों ना हो। इस सेवा का लाभ लेने वाले लोगों ने भी डाक विभाग के इस कदम की सराहना की है। बैंक च रश होने की वजह कन्नै साढ़े पोस्ट ऑफिस ने स्कीम शुरू की है कि तुस अपने ग्रामीण क्षेत्रें चों जेड़े पैसे ने वो पेमेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस ले सकते हो। कुसे भी बैंक का खाता, तुहाड़े स्टेट बैंक का, कुसे सेंट्रल बैंक का खाता, ग्रामीण बैंक का खाता, कुसे भी बैंक का खाता है, तुस पोस्ट ऑफिस के जी ब्रांच है उत्थे आइए पेमेंट ले सकते हो। और ये जी पेमेंट है तुहाड़ा आधार जिहड़ा है आधार लिंक होना चाहिए तुहाड़ा बैंक च। अगर तुसी पेमेंट लैन आना तो तुहाड़ा जिहड़ा खाता है वो आधार जिहड़ा तुहाड़ा लिंक होना चाहिए और आधार लिंक होएगा तो तुहाड़ी पेमेंट जिहड़ी है तुहाड़े ग्रामीण क्षेत्रें चों आई है तुस वो पेमेंट ले सकते हो। ये पेमेंट ये लॉकडाउन की दिखते हुए सरकार ने यह स्कीम जिहड़ी शुरू की है ताकि जिहड़े बैंकों च और राशन पे और ग्रामीण क्षेत्रें च जिहड़े लोगों की थोड़े थोड़े पैसे की जरूरत है 10,000 रुपये तक अस पेमेंट जी है वो अस पोस्ट ऑफिस की पेमेंट जी पोस्ट ऑफिस के थ्रू बैंकों की पेमेंट जी है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू अस दे। बड़ा ज़्यादा रश और काफ़ी देर तक खड़े होना पैंदा है और जो विभाग ने योजना की है बड़ी सही की है क्योंकि आदमी ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकता अगर इन्नी गर्मी है और गर्मी के कारण कोई जा भी नहीं सकता, लेट भी हो सकता है, कोई टाइम भी नहीं है इतना। वही पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त लॉकडाउन में है और अस्पतालों में भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है, साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरा सतर्क है और बरता जा रहा है और लेकिन इस दौरान मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ रहे हैं और गुरु नानक लंगर मिशन इस दौरान अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। हम आपको बता दें, दरअसल गुरु नानक लंगर मिशन संस्थान ने अस्पतालों में पीपी किट प्रदान किए हैं और उनका ये मानना है कि लगातार अपनी ये भूमिका जम्मू कश्मीर में निभाते रहेंगे। ये किट जम्मू में कोविड अस्पताल गांधीनगर में दिए गए हैं जिससे बाद डॉक्टर की तरफ से भी संस्था की सराहना की गई है। साथ ही संस्था का कहना है कि अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान अगर कोई भी मदद की जा सके तो सभी को कोरोना काल के बीच लोगों की मदद करनी चाहिए। हम गुरु नानक लंगर मिशन की तरफ से आज यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल गांधीनगर में पहुँचे हैं। तो पीपी किट्स की शॉर्टेज जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में शॉर्टेज चल रही थी, तो हमें जैसे ही किसी की तरफ से यह पीपी किट्स की डोनेशन हमें आज हमारे वॉलंटियर्स के लिए, बेसिकली ये किट्स हमें वॉलंटियर्स के लिए डोनेट की थी किसी ने, तो हमारे वॉलंटियर्स ने आपस में ये डिसाइड किया कि हमारे वॉलंटियर्स से ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत हमारे फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं हमारे जो हॉस्पिटल में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको जो कोविड पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं उनको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने सारी टीम ने डिसाइड करके तो ये जो किट्स हैं जो आज हमें कोविड हॉस्पिटल में डोनेट किए हैं, इसके साथ साथ हमारी जो अदर सेवाएं चल रही हैं, राशन की सेवा जो हमारी चल रही है या ब्लड डोनेशन की हमारी सेवा चल रही है वो साइड बाय साइड चल रही हैं। और हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो कोई भी आके हमारे साथ जुड़ना चाहता है या कोई भी किट डोनेट करना चाहता है, एक किट, दो किट, तीन किट जो डोनेट करना चाहता है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम कॉस्ट टू कॉस्ट
हमारे साथ जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम इसको अप्रोच करके तो हम इसको डोनेट करने की कोशिश करेंगे। हम यही मैसेज देते हैं कि एटलीस्ट जो डोनेट करना चाहता है कम से कम एक किट आके हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को किट जरूर डोनेट करें। आज मैं गुरु नानक लंगर मिशन जम्मू का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आज हमारे 50 जो हमारी किट्स पर्सनल जो प्रोटेक्टिव किट्स होती हैं जो हॉस्पिटल को डोनेट की हैं, जो हमारे स्टाफ के काम आएंगी, क्योंकि इनकी हमें आज सख्त ज़रूरत है। पूरे स्टाफ को किट्स के बगैर काम नहीं किया जाता, और ये इनका जो प्रयास है ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। तो आपने जिस तरह से देखा, पूरा जम्मू कश्मीर इस समय लॉकडाउन में है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सामने आकर इस समय इस गंभीर सिचुएशन में लोगों की मदद कर रहे हैं। गुरु नानक लंगर मिशन संस्थान ने अस्पतालों में भी पीपी किट प्रदान किए हैं, और उनका ये भी लगातार भूमिका रही है कि जम्मू कश्मीर में ये तमाम जो अच्छी व्यवस्था है वो इसी तरह से निभाते रहेंगे। जम्मू के कोविड अस्पताल गांधीनगर में इन तमाम किट का प्रावधान किया गया है, ये किट्स दिए गए हैं, जिसके बाद अब डॉक्टर्स की तरफ से भी संस्था की सराहना जो है वो की जा रही है। और साथ ही संस्था का ये भी कहना है कि अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो तो वो उन्हें बेझिझक संपर्क कर सकते हैं, वो उनकी सेवा में लगातार रहेंगे। और उन्होंने ये भी अपील की है कि इस दौरान, इस महामारी के दौरान, अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की मदद करनी हो तो वो भी आगे आकर लोगों की मदद करे। वही कोरोना महामारी के कारण पहला लॉकडाउन लागू होते ही गंगानगर राजस्थान से आए कई साधु रियासी में फंसे हुए थे, और ये सभी साधु माँ वैष्णव देवी और शिव खोड़ी को खोड़ी की यात्रा पर आए थे, लेकिन लॉकडाउन लागू होने पर ये सभी यहाँ फंस गए और अब अपने घर वापस नहीं जा पा रहे हैं। इन लोगों को पेट भरने के लिए नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं, और इनका कहना है कि मात्र एक दो बार प्रशासन ने उन्हें राशन दिया था, उसके बाद उनकी कोई भी सुध नहीं ली गई। इन साधुओं ने अब जिला प्रशासन से उन्हें वापस गंगानगर पहुँचाने की मांग की है। तो में कहीं भी गाड़ी घोड़ा नहीं चला तो हम निकल नहीं पाए, या कि यहाँ ही रह गए जी। तो हम हैं 13 वध करे केरे नाथ जोगीनाथ, तो यहाँ के 13 के 13 फंसे हैं। यहाँ पर कोई हमारे को नाम पता लिखवाया तो वो भी पूरी हेल्प नहीं हो रही है जाने के लिए। हम हर रोज़ बोल रहे हैं कोई किसी साहब को कोई मदद करे, हमारी कोई मदद करने वाला भी नहीं है। एक दो बार राशन मिला, उसके बाद में कोई आया नहीं हेल्प करने वाला, कोई राशन देने वाला भी नहीं आया। अब तो जेब में तो पैसे थे वो भी खा चुके हैं, अब तो खाने के लिए वो भी नहीं है हमारे पास में। अब जाएँ कैसे यहाँ से? कोई यहाँ की सरकार कुछ कर ही नहीं रही कि या कोई देख रहे राजस्थान वाली सरकार नहीं भेज रही हमारे लिए, तो हमारे को यहाँ से कोई देख रहे कोई प्रबंध करे यहाँ से तो हमारे को भेजा जाए वहाँ। वाम जी परिवार वाले हैं, जोगी नाथ हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, सपेरे नाथ हैं हम, तो यहाँ से हमारे को भेजने की कोई हेल्प हुई करी जाए। तो हम यहाँ फंस गए, तो अब 2 महीने हो गए हमारे से फंसे हुए यहाँ, कोई हमारी सुनाई नहीं करता। पीछे बच्चे भी हमारे रो रहे हैं, वो कहते क्या बात है, कोई सुनाई नहीं करता यहाँ हमारे से, जितना ही है भी हमारे से कोई या आप पर्चा पुर्चा बना के दोगे तो हम चले जाएंगे यहाँ से, बस इतना ही हमारा बस। तो जगह तो लकोनी पड़ती, सिर को तो आश्रय करना ही पड़ता, भेजने मरने यहाँ ऐसे बात है। खाने पीने का तो कोई देता ही नहीं कोई लिया के हमारे से, हम तो जब से ना हमारे पास 600-500 रुपये वो भी खाएंगे हम, और हमारे पास अब तो पंजी नहीं है ये जाए भी पाए हम, जहाँ हमारे पास कोई ला देता कोई राशन तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही सो जाते हैं समय हमारे। तो वो बच्चा भी रोता है बेचारा, भी कहाँ से खिलाएं हम जाके, हमारे पास है ही नहीं कुछ। वही कोरोना महामारी से आम जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लगातार लॉकडाउन के चलते अस्पतालों का भी कामकाज और ब्लड बैंक भी प्रभावित होने से अछूते नहीं रहे। कोरोना महामारी के कारण रक्तदान शिविरों का आयोजन भी बंद हो चुका है, और जीएमसी के ब्लड बैंक में भी खून की भारी कमी है। लॉकडाउन के चलते रक्तदान के इच्छुक लोग भी अब अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे बीमार लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ गैर सरकारी संस्थाएं मदद के लिए ज़रूर आगे आ रही है, जिनमें से टीम जम्मू भी शामिल है। टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह के मुताबिक उनकी संस्था ज़रूरतमंद मरीजों के लिए खून की व्यवस्था कर रही है, और शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन टीम जम्मू के सदस्य रक्तदान के लिए अस्पताल न पहुंचते हो।
वही गोल गुजरात स्थित भारतीय योग संस्थान में भी बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर से 13 लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। तहसीलदार वेस्ट राजेश कुमार वड्र ने बताया कि 14 मई को ये लोग इस क्वारंटाइन सेंटर में लाए गए थे और 20 लोगों की सैंपलिंग भी की गई थी, जिनमें से 13 लोगों के टेस्ट अब नेगेटिव पाए जाने के बाद उन्हें घर भेज दिया जा रहा है। अन्य लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वहीं घर जा रहे लोगों ने प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों की जमकर सराहना की है। और मैं पंजाब से आई थी, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब हम आए थे बहुत परेशान थे, बट आई रियली थैंकफुल जो सर मिस्टर राजेश एंड जावेद सर, इन्होंने हमारा पानी से लेकर खाने तक बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। इन्होंने हमें होमली रखा, कोई परेशानी नहीं आने दी, सोशल डिस्टेंसिंग से रखा और साथ में इन्होंने इतनी केयर की कि हमें ऐसा लगा कि हम अपनी फैमिली में हैं। और योग आश्रम इज़ द बेस्ट क्वारंटीन सेंटर इन दीज डेज ओवरऑल ऑल जम्मू। तो यहाँ पे पहले तो हमें यहाँ आने से पहले बड़ा डर लग रहा था कि कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन जहाँ आके तो इनके अरेंजमेंट्स इतने अच्छे थे, खाना पीना साफ सफाई हर तरह का इन्होंने बड़े अच्छे से ध्यान रखा था, तो इवन की डॉक्टर्स तक का अरेंजमेंट यहाँ किया हुआ था इन्होंने। वही लॉकडाउन के इस दौर में डोडा में भी लोगों की सुविधा के लिए ओपीडी सेवा अब शुरू कर दी गई है। जीएमसी डोडा द्वारा फिलहाल ये सुविधा वहां स्थित कम्युनिटी हॉल में दी जा रही है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जीएससी के ओपीडी ब्लॉक को कोविड-19 ब्लॉक में बदल दिया गया है और इस कम्युनिटी हॉल में कई ओपीडी सेवाएं हफ्ते में 6 दिन ही दी जाएंगी, जबकि कुछ अन्य सेवाएं भी वैकल्पिक दिनों में दी जाती है। ओपीडी जो हमने आर्जी तौर पर कम्युनिटी सेंटर डोडा में स्टार्ट की, ये तकरीबन हमने 2 महीने के बाद इसको फिर स्टार्ट किया। इससे पहले हमारा जो इमरजेंसी चल रही थी वो आईपीडी ब्लॉक में चल रही थी, वहाँ प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद हम जो इमरजेंसी केसेस आते थे वो हम वहाँ पे एग्जामिन करते थे, एडमिट करते थे। उसके बाद आज हमने ये 18 तारीख को डिसीजन हुआ कि जो लॉकडाउन 31 तारीख तक एक्सटेंड हुआ उसमें ये रिलैक्सेशन है कि ओपीडी को स्टार्ट किया जाए। उसके बरकस हमने आज जो ओपीडी यहाँ कम्युनिटी सेंटर डोडा में शुरू कर दिया। शुरू में अब जब तक लोगों में अवेयरनेस ना जाए कि हमारा यहाँ ओपीडी स्टार्ट हो गया है, तो तब तक तो आज के दिन तो तकरीबन नॉर्मल है, ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग कल से आना शुरू हो जाएंगे, जब तक अवेयरनेस उनमें पहुँच जाएगी तो कल से ये रश हमारे पास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। SOPs यही ज़्यादा, हम आपके माध्यम से तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अस्पताल में फजूल का आना, एक पेशेंट और एक अटेंडेंट आए और बिला वजह बगैर किसी मकसद के हॉस्टल में आना। वही कालाकोट से घाटी की ओर जा रहे गुज्जर बकरवाला खानाबदोशों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इन लोगों के मुताबिक वो हर वर्ष अपने माल मवेशियों को लेकर मीलों पैदल चलकर सफर कर घाटी आते जाते हैं, लेकिन सरकार की ओर से रास्ते में उन्हें कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इन लोगों ने सरकार से उन्हें मौसम की मार से बचने के लिए शेड सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। सरकार ने अजे तोड़ी कुछ भी नहीं दी, तो मसाले काम कालाकोट से चल गए श्रीनगर को सफर तय करा, ऐसी सहूलत मारे वास्ते काय नहीं करी सरकार ने कि क्यों रास्ता में कोई शेड वै वगैरह वगैरह इस तरह का मसाले, सरकार ने कोई भी मारे वास्ते कोई ऐसो कदम ना चाहो। ते हम अपना पारू शारू ले गए थाना मंडी ते रोड के सीधा श्रीनगर जा रहे हैं, वह रजौरी बिचो आवा आगे थाना मंडी के गुजर के बख्लियास के गुजर के रस्ते हम पीर गली के रस्ते हम क्रॉस कर गए, तो आगे हम निकला। इसी वजह नाल सरकार ने अपील करा, हम गुजारिश है हमारी, हमारे वास्ते कोई शेड होना चाहिए इस रमज़ान का महीना में,
कोई ना कोई सहूलियत जरूर होनी चाहिए। वही कोरोना महामारी के इस काल में समाज के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभा रहे सफाई सेवकों की मदद के लिए अब आयुष विभाग आगे आया है। आयुष विभाग ने आज जम्मू के वार्ड नंबर 2 के सफाई सेवकों को रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाएं सौंपी हुई है और इस महामारी से बचाव के लिए अपनाए जाने वाले अन्य उपाय से भी अवगत कराया है। मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक कैंप लगाया है जिससे कि जो लोग हैं स्पेशली जो म्यूनसिपलिटी के वर्कर्स हैं जो स्वीपर्स हैं जिनको इम्यूनिटी किस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट पब्लिक के साथ लोगों के साथ रहता है और इस COVID-19 की महामारी में उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने ये सारा कैंप इन ईंटों के से फैलने वाले प्रदूषण के खिलाफ रायपुर डोमाना के गांव पंडोरिया के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप था कि इस भट्टे से निकलने वाले धुएं से इलाके में इंसानों से लेकर फसलों तक सब प्रभावित हो रही है और लेकिन प्रशासन मुखदर्शन बन चुका है और तमाशा देख रहा है। इस प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां फैल रही है और प्रशासन इसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बेटों के लेकर पूरे इन्वॉल्वमेंट हुई है पूरे मोहल्ले में पूरे गांव में, खासकर शिशु जो हैं उनकी की तो क्या भाई, बड़े तो बड़े हो गए बस शिशु का क्या बनेगा। सुबह जब उठते हैं तो ब्रांडू में बिल्कुल स्याही काली स्याह कालक होती है, कपड़ा अगर बाहर रहा तो उसको तो दोबारा दो बार धोना पड़ेगा, तो इतनी हालत है। सर भट्टे की हमें बहुत परेशानी है, हमारा बच्चा है 10-11 साल का, उसे हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, हम दिल्ली में उसका इलाज करा रहे हैं। सर हम जब छुट्टी लेके घर आते हैं उसको इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से मिट्टी धूल जो भी उठती है सुबह जो खाने का सामान है उसमें मिट्टी धूल मिल जाती है तो उसी की वजह से उसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ देखो मेरी पहले दवाइयाँ, इतनी दवाइयाँ मैं दांत पे अभी मशीन रखी है, मेरे बेड पे मशीन भी, फोटो लो देखो, अभी मैंने कल लाई है दवाई, चार तीन किस्म में पंपा मेरे, तीनों टाइम लेती हूँ मैं, हमारे घर से कम भी 100 मीटर भी दूर नभट्टा नहीं है, अभी 20 साल हो गए ऐसे लगे हुए, अभी इतना ही प्रॉब्लम हो रही है बाहर, ना तो बच्चे खड़े रहते हैं, छोटा बच्चा हमारे घर में उसको भी देखो वो इतना बीमार है, अभी बहुत ज़्यादा बीमार है लेकिन रात भर सो नहीं पाता, पड़ी है और इतने साइड इफेक्ट्स हैं, इतना पोल्यूशन है, शाम को इतना अच्छा मौसम होता है कोई सोचे बाहर सोना है, कोई चादर बिछाएगा वाइट कलर की, सुबह पूरी ब्लैक और मुंह भी पूरा ब्लैक, और फ्रूट देखो अब यहाँ पे इतनी बाग हैं गवर्नमेंट के, नर्सरी है गवर्नमेंट की, और आम लगते हैं जब आधे नीचे से सड़ जाते हैं सिर्फ इसी वजह से, अब इसके कितने साइड इफेक्ट है एयर पोल्यूशन के, लोगों को बीमारियां लग रही हैं, कैंसर इसकी वजह से हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बोले तो तभी है ना। वही हर वर्ष किसान नहरों की साफ सफाई को लेकर सवाल उठाते हैं लेकिन न तो सरकार और न ही सिंचाई विभाग किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेता है, यही वजह है कि पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने से किसानों की फसलें अब प्रभावित हो रही है। सरकार भले ही किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रयासरत है लेकिन जमीनी सतह पर देखा जाए तो किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिससे कहीं ना कहीं वो परेशान हैं। खराब मौसम के चलते धान और गेहूं की फसल में नुकसान उठा चुके किसान अब धान की फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहरों की सफाई का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है जिसके चलते किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की सफाई करवाकर उनमें पानी छोड़ दिया गया है लेकिन कई इलाकों में नहरों की या तो सफाई हुई ही नहीं है या फिर सफाई के नाम पर मात्र लीपापोती की गई है। ऐसे में किसानों को ये चिंता सता रही है कि अगर उन्हें समय पर नहरी पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो वह धान की रोपाई कैसे करेंगे। धान की रोपाई करने के लिए कई इलाकों में हालांकि किसानों ने पनीरी की बिजाई करनी भी शुरू कर दी है लेकिन नहरों की सही ढंग से सफाई ना होने से वो बेहद चिंतित हैं। अगे भी दो फसल बर्बाद हो चुके हैं
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਰਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਈ, ਸਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮਰਨਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭੁੱਖੇ ਇਨਸਾਨ, ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਫਸਲ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਢਾਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਤਿਆਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਆਏ ਕੋ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨਕਾ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਾਰਯ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਛੋਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਾਨ ਕੀ ਰੁਪਾਈ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਉਨ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਏ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਸੇ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में यही रुकना होगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।